हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और चलिए, हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, तभी हम हमारी और आपकी मेहनत साकार होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट का मतलब यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जुड़ें और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं वो बताएँगे। हम सोच रहे हैं, देखिए, आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप बी हो, करंट अफेयर स्टेटिक जीके का बहुत बड़ा रोल है। तो हम आपको बता रहे हैं कि करंट अफेयर में क्या क्या आता है, ये सब करा देंगे आपको। वन लीनियर भी करा देंगे और आपको जो डिटेल है वो भी हम कराएंगे, कुछ ना कुछ 20 या 25 मिनट का डेली। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ दें और हम चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाके देखें जो अभी कराया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर रियल जो आया है एग्जाम में वही कराया गया है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और देखें, पूरा वीडियो देखें, काफ़ी आनंद आएगा और आपको अंदर से महसूस होगा कि हम हमारा लेवल क्या है, हम क्या सीख रहे हैं। और जो नहीं जानते हैं वो सीखेंगे भी और जो जानते हैं वो और कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। करंट अफेयर की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा है ये सीरीज, कैसा लगा, और हम आपको पूरा का पूरा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। करंट अफेयर 4 तारीख है। आप देखिएगा, दिखा है कि एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। इसका राइट आंसर आप पहले समझ लें, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, इंदौर, मध्य प्रदेश। और अब एक इसके बारे में एक और जान लें कि इसका उद्घाटन किसने किया। हालांकि आप सबको पता है कि भारत सरकार ने ही किया होगा, तो भारत सरकार में कोई ना कोई मंत्री किया होगा, तो भारत सरकार के कौन से मंत्री हैं जो इसका उद्घाटन किए। अब समझ लें, इसका उद्घाटन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने की है। और आपको बता दें कि इस ट्रैक की लंबाई है, इस ट्रैक की लंबाई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी आप जान के जानकारी रखिए। इस ट्रैक की लंबाई 11.3 किलोमीटर है, यानी 11.3 किलोमीटर इस ट्रैक की लंबाई है। और ये इंदौर, मध्य प्रदेश में हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। आप एक बात और समझिए कि हाई स्पीड ट्रैक क्या होता है। जैसे कोई भी चीज का स्पीड आपको ट्राई करना है कि वो कितना स्पीड से जा सकता है, तो वो सब हाई स्पीड पे ही उसकी टेस्टिंग की जाती है। और एशिया की तो सबसे बड़ी है इंदौर रेलवे ट्रैक, इंदौर जो हाई स्पीड ट्रैक बोला जा रहा है सबसे बड़ी है, लेकिन विश्व की ये 5वीं है। तो यही आपका आंसर हो गया, 11.3 किलोमीटर है। और ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका शुभारंभ किया है। और आप ये समझें कि आपसे भी पूछ सकता है कि विश्व में सबसे सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक, सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक जो है कितने किलोमीटर का है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 21 किलोमीटर का है, विश्व में जो सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है वो 21 किलोमीटर का है। और भारत में सबसे बड़ा तो समझ रहे हैं, जो अभी हम कराएं 11.3 किलोमीटर है, जो इंदौर मध्य प्रदेश में है। और पूरे विश्व की बात किया जाए तो 21 किलोमीटर का है। और ये है कहाँ, तो ये जर्मनी में है। कुछ जगह किस देश में है तो इसको आप समझिएगा, ये जो 21 किलोमीटर है ये जर्मनी में है। आप सभी ने जर्मनी के बारे में सुना होगा। और हाँ, अभी 2-3 महीने की पिछले की न्यूज है कि जर्मनी पहली कंट्री है, फर्स्ट कंट्री जर्मनी है
फर्स्ट कंट्री जर्मनी है जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाया है। मतलब एक तरफ से आपको पता जाए कि वो अपना टेस्टिंग कर रहा है कि हाइड्रोजन से ट्रेन कैसे चलाया जाएगा, चलाया है। जर्मनी वही देश है जिन्होंने हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पता है 30 40 50 साल में जो कोल है ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। जब कोल पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा तो किसी न किसी के थ्रू हमें एनर्जी चाहिए, हमारे जितने भी संसाधन हैं उन्हें चलाने के लिए। तो जब कोल खत्म हो जाएगा तो हमसे जिन्हें हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है उसके तरफ हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा। हालांकि और विषयों पे काम चल रहा है, जैसे आप सन सौर ऊर्जा जैसे बोला जाता है, सनलाइट से भी कई चीज़ें चलेंगी। तो ये हो गया, और मध्य प्रदेश की बात हुई है तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है, इंदौर शहर लगातार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर में फर्स्ट पोजीशन पे आया है, फर्स्ट पोजीशन पर आया है। यानी जो इंदौर शहर है सबसे साफ सुथरे शहरों में चौका मार चुका है, आप समझिए चौथी बार आया है। और मध्य प्रदेश और जो इंदौर है, इसे इंदौर को आप समझिएगा मध्य प्रदेश का कैपिटल सिटी, मध्य प्रदेश का कैपिटल सिटी भी इंदौर को कहा जाता है। आप ये भी बात ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार आया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अंकुर योजना लॉन्च की है, आप सभी इसको ध्यान रखिए। अंकुर योजना में आपको आपसे पौधे लगाने के लिए कहा जाएगा, और इन सब में जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसे पुरस्कार भी मिलेगा। इसमें आपको पौधे लगाया जाएगा, अंकुर योजना में पौधे लगाया जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा पौधे लगाए यानी जो फर्स्ट पोजीशन पे आए उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की मामा सरकार ने स्टार्ट किया है, जिसे शिवराज सरकार कहा जाता है। आपको इतना सब पता चल गया इस क्वेश्चन के बारे में, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, और ये भी आया हुआ है एग्जाम में, नहीं आने वाला है, करंट अफेयर है, आप सब लोग समझिए। यह है कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा से संबंधित साल्ट कार्यक्रम शुरू किया, और एक क्वेश्चन शिक्षा से संबंधित है, और आप सब लोग शिक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये छपने वाला है, आप समझिए किसी न किसी सेट में छपेगा। बोलेगा कि साल्ट योजना क्या है, कहीं साल्ट का पूरा नाम पूछ देगा, बोलेगा साल्ट योजना में क्या क्या किया जाएगा ये भी पूछ सकता है। चलिए देख लेते हैं साल्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, से हम शॉर्टकट में एपी लिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और जान लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, साल्ट का पूरा नाम है बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप साल्ट के बारे में जाने क्या है, तो इसका पूरा नाम है सपोर्टिंग और ए से आपका हो जाएगा आंध्रा, सपोर्टिंग आंध्रा और एल से हो जाएगा लर्निंग, और टी से हो जाएगा आपका सपोर्टिंग आंध्रा ट्रांसफॉर्मेशन, टी से हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि कोरोना से जैसे ही इन लोगों के सब इनकम हर राज्य सरकार की कम हुई है, तो किसी न किसी तरीके से लोन लेना चाह रहा है, मतलब किसी से लोन लेकर के वो अपने यहाँ की जो एजुकेशन व्यवस्था है जिसे कहा जाता है उसे सही करने की कोशिश कर रहा है आंध्र प्रदेश। इसलिए वो स्टार्ट कार्यक्रम लाया। इसमें होगा क्या आप समझिए, इसमें होगा क्या, पहला बात इसमें टीचर जो हैं टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बोला जा रहा है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस पैसे से हम टीचर को ट्रेनिंग देंगे और स्कूल की बेसिक सुविधा को बेहतर करेंगे। उनका कहना है इससे हम स्कूल की बेसिक जो सुविधा है, जो जरूरी चीज़ें हैं उन्हें हम अच्छा करेंगे और टीचर की ट्रेनिंग कराएंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें ये बोला गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कि इसमें आप उन्हें उनको उनके द्वारा कहा गया है कि इसमें हमको ढाई सौ मिलियन डॉलर चाहिए। उनके द्वारा कहा गया है कि इसके लिए हमें 250 मिलियन चाहिए, और वो ढाई सौ मिलियन डॉलर कहाँ से लेंगे। तो देने के लिए सबसे अच्छा तैयार बैठा है भारत के लिए अपना वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक से हम 250 मिलियन डॉलर लेंगे। और वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, तो वर्ल्ड बैंक आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और वो वर्ल्ड बैंक में दो चीज आती है, एक IDB और एक और इसी के साथ आता है ITDBS करके। ये दोनों लोन देते हैं दो इसके अंदर डिपार्टमेंट में, IDB ITDP नहीं है शायद, कुछ और है IRDB, हाँ IRDB, इनके द्वारा लोन दिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है कि इनसे हम पैसा लेंगे अपने यहाँ बेसिक जो शिक्षा है उनके उनके उनकी सुधार के लिए। तो ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन था, 250 मिलियन डॉलर आंध्र प्रदेश सरकार लेगी अपने यहाँ शिक्षा को बेहतर करने के लिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राजनीति से जुड़ा हुआ है ये अगला क्वेश्चन। 2 जुलाई 2021 को सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस राज्य के सीएम थे। तो इसका सही आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड के सीएम थे। देखिए इनसे पहले वहां के सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर उन्हीं के स्थान पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे, और पता नहीं क्या सोच के उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा दिलवा दिया। बीजेपी सरकार के आला कमान से मिल करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्हें अभी अभी 3 महीने पहले जनवरी के आसपास तीरथ सिंह रावत को वहां का सीएम बनाया गया। और तीरथ सिंह रावत किस राज्य के थे, तो उत्तराखंड के थे। और आज की ताजा ताजा खबर है, आप समझ लें आज की ताजा 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 खबर है कि करीब 115 दिन बाद बीजेपी ने जो तीरथ सिंह है उन्हें अपना उनको भी सीएम पद से हटा दिया और एक नया कैंडिडेट को सीएम बनाया गया है। तो वहां पे क्या राजनीति उठा पटक चल रही है, तो बीजेपी की आला कमान ही समझेगी। लेकिन अगले साल मार्च अप्रैल में 2022 मार्च अप्रैल 2022 में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। और बीजेपी सरकार को लग रहा है कि सीएम बदलने से उनका काम हो जाएगा, इसलिए वो ज्यादा सीएम बदल रहे हैं। मात्र 115 दिन में तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा, और कहा जा रहा है कि इस्तीफा उन्हें इसलिए देना पड़ा क्योंकि कोई
कोई भी आदमी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो उसे 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसे मेंबर ऑफ, 6 महीने के अंदर उसे मेंबर ऑफ कहीं कहीं विधान परिषद होता है और कहीं कहीं विधानसभा होता है, तो विधानसभा का उसे मेंबर बनना पड़ेगा, यानी एमएलए जिसे कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का पूरा नाम आप समझ लीजिए, विधायक जो होते हैं उन्हें शॉर्टकट में इंग्लिश में एमएलए कहा जाता है, और इनका पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी उसे उन्हें विधानसभा का सदस्य होना पड़ता है 6 महीने के अंदर, और उन्हें और वहां के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल के पास पावर होती है कि वो यदि आगामी चुनाव 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है तो उपचुनाव कराते हैं, लेकिन 1 साल से कम का यदि समय बचा हुआ है तो वहाँ के राज्यपाल के ऊपर है कि वो चुनाव करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। और वहाँ के राज्यपाल ने ये फैसला लिया है कि अब चुनाव 2022 में ही होंगे, मार्च अप्रैल में, और कोई उपचुनाव नहीं होगा। और कोई उपचुनाव न होने की वजह से संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था, और उसी संवैधानिक संकट की वजह से तीरथ सिंह रावत को अपना इस्तीफा देना पड़ा, और वहाँ के नए एमएलए मेंबर को वहां का सीएम बनाया गया है। तो ये ऑप्शन था, काफी सीएम बदले जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा 115 दिन बाद उन्होंने सीएम बदल दिया, और 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल दिया गया था, 4 साल हालांकि उन्होंने राहत एमएलए सीएम रहे थे। ये अपना अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 3 जुलाई 2021 को सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये पूछा गया है। यानी आप सबको पता है कि 16 जनवरी 2021 से भारत में टीकाकरण स्टार्ट हुआ था, 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था, और उस समय बताया जा रहा था कि जो बहुत ज्यादा किसी और बीमारी से ग्रसित है या जो अपना प्रेग्नेंट वुमन है जिसे गर्भवती महिला कहा जा रहा है, उन लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगी। और अब आखिरकार आज 3 जुलाई को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। पूछा गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो देख लेते हैं ऑप्शन, पहला है हर्षवर्धन सिंह, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, और तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, और चौथा ऑप्शन है आपका निर्मला सीतारमन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन सिंह। देखिए हर्षवर्धन सिंह भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय है, और इन्हीं की देखरेख में यह निर्णय लिया गया कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा। 3 जुलाई को यह निर्णय लिया गया, और 21 जून को जब योगा डे मनाया जा रहा था, अभी 21 जून को, अभी जो जून खत्म हुआ है अभी जुलाई लगा है, उस दिन माननीय श्री मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि महा कोरोना वैक्सीन अभियान लगाया जाएगा। तो महा कोरोना अभियान तो दिख नहीं रहा है, हालांकि इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा कि भारत में वैक्सीन की कमी है, और देशों के कंपेयर में हम काफी बड़ी जनसंख्या के रूप में विश्व में 2 नंबर पे है जनसंख्या में, तो हमें तो टीका लगने में स्वाभाविक है कि देरी होगी ही, इसलिए टीका उपलब्ध नहीं है जितना होना चाहिए। इसी के वजह से शायद जो अपना कोरोना वैक्सीन है जिसे कोविशील्ड बोला जाता है, कोविशील्ड इसी वजह से, सबसे पहले बताया गया था कि कोविशील्ड 7 से 8 वीक में, 7 से 8 वीक में आपको दूसरा डोज लगना था, तो कोरोना वैक्सीन की कमी होने की वजह से सरकार ने इसे 12 से 13 वीक कर दिया कि 12 से 13 वीक में आपको दूसरा डोज लगेगा, मतलब करीब 46-42 पहले, करीब 42 से 56 दिन के आसपास में आपको लगना था दूसरा डोज, और लेकिन इसको सरकार ने 83 दिन में बोला है कि 83 दिन में आपको, 84 दिन में आपको दूसरा डोज लगाया जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर तो सरकार ने नहीं किया कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि वैक्सीन की कमी की वजह से जो कोविशील्ड
वाले हैं उनको पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज करीब 83 या 84 डे बाद लगाया जाता है। और भारत में आप जान लें, भारत में भी दो ही वैक्सीनों का, दो ही टाइप की वैक्सीन का वैक्सीनेशन चल रहा है। पहला जो भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है, इसे बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि मेड इन इंडिया है, लेकिन प्योर मेड इन इंडिया नहीं है उसे, जिसका नाम है कोवैक्सीन। ये भारत में लगाया जा रहा है। और दूसरा नंबर पे है अपना कोविशील्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा डोज तो कोविशील्ड का ही दिख रहा है। और हम लोग को भी जो भी लगा वो भी कोविशील्ड ही था। तो आप ध्यान रखें कि अब जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी लगवा सकती हैं, उन्हें भी मंजूरी दे दिया गया कि वो भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं। और हाँ, ये और ऑप्शन है, इनके बारे में जान लेते हैं कि राजनाथ सिंह कौन है। तो राजनाथ सिंह के बारे में आप जान लें कि ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। कैसे, कौन सा मिनिस्टर है? डिफेंस मिनिस्टर, जिसे हिंदी में रक्षा मंत्रालय बोला जाता है, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। और जो भी चाइना के साथ बॉर्डर पर चल रहा है सब यही कंट्रोल किए हैं, इन्हीं के विभाग के अंदर आता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। और जो अपना चौथा ऑप्शन है, जो निर्मला सीतारमण, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसे वित्त मंत्री बोला जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर है अपना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे। और ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है नरेंद्र सिंह तोमर, ये भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और ये मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट के आसपास इनका, ये मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं। आपके जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये मध्य प्रदेश के गुना या दमोह के आसपास इनका निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से हैं। और इन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। और जो किसानों का दिल्ली के बॉर्डर पे धरना चल रहा है सब इन्हीं के अंदर आता है। इन्होंने कई बार कह चुका है कि धरना खत्म किया जाए, लेकिन उन लोगों का समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, इस वजह से वो लोग बैठे हुए हैं। और एक बात मानना पड़ेगा आपको, बता दें कि जो भारत का किसान है वो बहुत ही मजबूत है। देखिए, कोई भी आंदोलन इतना लंबा नहीं चला है, 1 साल से ऊपर हो गया। और इसमें सरकार को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने अड़ियल रवैया पर नहीं रहना चाहिए। और मोदी सरकार को मान लेना चाहिए कि जो लोग बोल रहे हैं उसे मान लें, इसमें सरकार का कुछ घाटा नहीं है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि जो MSP की बात चल रही है वो 1966 में लाया गया था, उस समय तो UPA की ही सरकार थी, अभी तो NDA की है, जिसके अभी मेन चल रहा है वो पार्टी है BJP। तो इन लोगों को बात मान लेनी चाहिए। और कुछ किसानों के बारे में पिछले 1966 से देखा जाए तो कुछ खास नहीं हुआ है, इस वजह से उनकी मांग है कुछ MSP वगैरह की, वो मान लेनी चाहिए भारत सरकार को। और एक नॉर्मल बोला जाता है कि एक नॉर्मल चपरासी जिसे बोलता है, गवर्नमेंट में यदि कोई चपरासी है उसका भी तनख्वाह 150-200% बढ़ गई है, लेकिन किसान की केवल 19 गुना बढ़ी है। यानी किसान हमेशा कर्ज के तले दबा जा रहा है, और जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उन्हें कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि इनकी आखिरी समस्या क्या है। तो ये सब समस्या देखनी चाहिए, अपने लोग ही हैं, और हम सब भी किसान परिवार से ही आते हैं, तो ये ना सोचे कि किसान की समस्या है तो किसान देखे, हम उन्हीं के थ्रू खाना दो टाइम खा रहे हैं तो किसान के थ्रू ही खा रहे हैं। तो आप सबको उनका सपोर्ट करना है, और सरकार को ही बताना है कि आप क्या सही कर सकते हैं, क्या गलत कर सकते हैं, ये सब उन्हीं के ऊपर है। सरकार को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। 1 साल बहुत बड़ी दिन होती है, ठंडी गर्मी बरसात वो लोग सब कुछ सहन कर चुके हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही माना पटेल किस खेल से संबंधित है। हालांकि माना पटेल इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में भी जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं SSC के, बैंक के, रेलवे के, वहां पे पूछा जा सकता है। और ये ओलंपिक
होगा वहां भी आएगा, इनका नाम बहुत ही देखिएगा। अच्छा, चर्चा में रही माना पटेल किस खेल से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है हॉकी, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रिकेट और तीसरा ऑप्शन पोलो और चौथा ऑप्शन स्विमिंग। स्विमिंग यानी तैराकी, जिसे पानी में तैरा जाता है वो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्विमर है। माना पटेल क्या है, स्विमर है, स्विमिंग करती है, स्विमिंग तैराकी है, और इन्हें स्विमिंग में बैक स्ट्रोक के लिए, स्विमिंग में दो होते हैं, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है और एक बैकवर्ड स्ट्रोक होता है। तो बैकवर्ड स्ट्रोक में इन्हें दिया गया है, बैक स्ट्रोक में ये क्वालिफाई किए हैं स्विमिंग में। और ये किसके लिए क्वालिफाई की है ये जान ले, तो आपका ओलंपिक अभी होगा, ओलंपिक, ओलंपिक के लिए, ओलंपिक के लिए एकमात्र, ओलंपिक के लिए एकमात्र, ओलंपिक के लिए एकमात्र तैराक हैं जो क्वालिफाई की हैं, जो क्वालिफाई की हैं माना पटेल। तैरने वाले में पहली भारतीय हैं जो क्वालिफाई की हैं। अभी ओलंपिक जो होगा अपना आप समझ ही रहेंगे, अभी टोक्यो ओलंपिक होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था आपको पता है, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में ओलंपिक नहीं हो पाया, और उसी ओलंपिक को 2021 में कराया जा रहा है। अभी 2021 में ओलंपिक होगा, और ये ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ये टोक्यो जापान में होगा, टोक्यो जापान का शहर है, टोक्यो जापान में होगा 2021 का, इसी के लिए क्वालिफाई की है। और देखते हैं टोक्यो के और ओलंपिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कई बार आपसे पूछा जाता है ओलंपिक डे, आपसे पूछा जाता है ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो 23 जून को हर साल ओलंपिक डे मनाया जाता है। और इसकी स्थापना ओलंपिक की कब हुई थी, तो स्टेबलाइज हुआ था ओलंपिक, तो ओलंपिक की स्थापना हुआ था सन 1894 ईस्वी में। और जो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था, फर्स्ट ओलंपिक, जो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था वो 1896 में, यानी 2 साल बाद 1894 में स्थापना हुआ था, 1896 में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था। और ये हुआ कहाँ था ये भी पूछ सकता है, तो एथेंस में हुआ था, आपका एथेंस में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था। और ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के तरफ से ओलंपिक में कोई भी पदक, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी जो विजया लक्ष्मी, ऐसे करके कुछ है, विजया लक्ष्मी, ये है भारत की तरफ से कोई ब्रॉन्ज या सिल्वर पदक इनको मिला था, ये है। और 2021 में वहां पे होगा, आपको पता है ये इसका आंसर था। भारत के तरफ से और एक बात और पूछा जाता है कि भारत, चाहे विजया लक्ष्मी ने कर्णम, ये विजया लक्ष्मी नहीं थी, गलत हुआ सॉरी, ये विजया लक्ष्मी नहीं थी, कोई महिला ही थी जो भारत के तरफ से पहला पदक ओलंपिक में लाई थी, कर्णम मलेश्वरी थी। कौन थी, कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी थी जो भारत के तरफ से ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली पहली महिला थी, फर्स्ट महिला थी ओलंपिक में जो कोई भी, भारत में फर्स्ट फीमेल थी जो कोई भी पदक जीती थी। और मेन की बात किया जाए कि पहला मेन कौन था, फर्स्ट मेन कौन था भारत के तरफ से, तो सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, बीजिंग चाइना में, बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत के तरफ से फर्स्ट आपका, देखिएगा फर्स्ट मेन पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट मेन था जो भारत के तरफ से 2008 में पदक जीता था, वो थे अभिनव बिंद्रा, अभिनव,
अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा क्या थे? निशानेबाज थे, निशानेबाज। अभिनव बिंद्रा थे निशानेबाज, जिन्होंने 2008 के टोक्यो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाज थे, जिन्होंने फर्स्ट मेल में भारत की तरफ से पदक जीते थे।